नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। प्रधानमंत्री ने आप सभी से मन की बात के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को कोरोना जैसे संक्रमण से बचने व उसके उपाय के बारे में विस्तार से बताया। कृपया आपसे अनुरोध है कि लॉकडाउन को हल्के ढंग से न लें। अब चलते हैं खबरों की तरफ। पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान गोंडा पुलिस ने जहां एक तरफ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक किया है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,206 वाहनों का चालान किया है और 68 वाहन को सीज किया गया है। तो वही लगभग 4,84,950 रुपये का समन शुल्क वसूल कर राजकीय कोष में जमा किया गया है। पुलिस पूरे मामले पर 21 मुकदमे दर्ज कर अब तक 68 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से मास्क को लगाने के लिए जागरूक करती है, तो सड़क पर बेवजह घूमने वालों को हेलमेट का प्रयोग करने के साथ मास्क लगाने के साथ जानकारी देती है। और इस दरमियान लॉकडाउन के दौरान गोंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे सुनाते हैं कि एएसपी गोंडा महेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा। जनपद गोंडा में लॉकडाउन के पीरियड में इन्फोर्समेंट की काफ़ी कार्रवाई की गई है। एक तरफ तो जहां हम लोगों ने उनको जा के माइक से अनाउंस करके समझा के और उनको घरों में रहने के लिए लॉकडाउन पालन करने के लिए बात की, और जो लोग बाहर आ जाते थे तो उनको इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की। इस दौरान 4,206 वाहनों का चालान किया है और इसमें 68 यानी 68 वाहन जो है अधिग्रहित किए गए हैं और समन शुल्क 4,84,950 रुपये का मौके पर किया गया है और इसको सरकारी धन उसमें जमा करा दिया गया है। इसी पीरियड में 21 मुकदमा दर्ज हुए जो कि लॉकडाउन तोड़ने के संबंध में थे और इसमें 68 अभियुक्त जो है गिरफ्तार किए गए थे और उनको प्रोसिक्यूट किया गया है। और बहुत सारी जगहों पर लगभग पूरे जनपद में हमने फूड डिप्लॉयड करके और जन जागरण करके मैसेज भेज के और उनको जो है माइक से अनाउंस करके जगह जगह और लॉकडाउन का पालन कराया गया। ओके सर,